नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान लामा के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग। यह प्रेरक प्रसंग मैं आपसे शेयर करूँ, इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं सुनाता हूँ एक प्रसिद्ध लामा के जीवन का यह प्रेरक प्रसंग। एक प्रसिद्ध बौद्ध लामा अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे पिताजी ने यह निश्चय किया कि मैं विद्या अर्जन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी स्कूल में जाऊं। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब मुझे कब जाना है। एक दिन शाम के समय उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम विद्या अध्ययन करने लायक हो चुके हो, कल तुम्हें एक स्कूल जाना है और वहीं तुम्हें रहना है जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, जब तक तुम पूरा ज्ञान प्राप्त ना कर लो। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक तुम स्कूल में रहोगे तब तक तुम्हारा घर वालों से कोई संबंध नहीं है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, ना तुम अपनी माँ से मिलोगे, ना मुझसे मिलोगे। नौकरों से कह दिया गया है, वह तुम्हारा सारा प्रबंध कर दिए, तुम हम सबसे बिना मिले ही स्कूल जाना, क्योंकि तुमसे जुदा होना तुम्हारी माँ को और मुझे पीड़ा दे सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम पीड़ित मन से विद्याध्ययन करने जाओ, इसलिए सुबह उठकर नौकरों के साथ तुम सीधे स्कूल चले जाना, और ध्यान रखना वहाँ की प्रवेश परीक्षा में फेल मत होना, क्योंकि अगर तुम वहाँ फेल हो गए तो यह मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी। लामा अपने कथा में आगे लिखते हैं कि मुझ जैसे 5 साल के बच्चे के लिए यह बहुत कठोर शब्द थे, बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर इतने दूर कैसे रहूँगा। ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके लिए मुझ जैसे अबोध बालक को ये इतने दूर भेज रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी की आज्ञा के पालन करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सुबह हुई, मैं किसी से नहीं मिला, मेरे नौकरों ने मेरा सारा प्रबंध किया और मैं स्कूल की तरफ रवाना हो गया। मैंने पीछे मुड़कर घर की तरफ नहीं देखा, मेरी नज़रें आगे थी, लक्ष्य की तरफ थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे जो कहा था वह मुझे ध्यान था। मेरे अंदर आंसुओं का समंदर उबल रहा था, लेकिन मैंने अपना एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। मैं अपने आप को कठोर बनाता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब स्कूल पहुंचता हूं तो देखता हूं कि एक भव्य स्कूल मेरा स्वागत कर रहा है। वहां जाकर विद्यापीठ के प्रधान ने, स्कूल के प्रधान ने जब मुझसे कहा कि तुम अभी सिर्फ 5 साल के हो, क्या तुम स्कूल में पढ़ने लायक हो चुके हो, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पिताजी को लगता है कि मैं पढ़ने लायक हो गया हूँ तो निश्चित ही हो ही गया होगा। प्रधान उसकी बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमारे यहाँ की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती है। मैंने कहा मैं हर प्रवेश परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। तब आचार्य ने कहा कि एक काम करो, तुम यहीं दरवाजे के पास में आँख बंद कर बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ, लेकिन ध्यान रखे मेरे आने से पहले तुम्हें आंखें नहीं खोलना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो, तुम्हें आंखें नहीं खोलना है जब तक मैं ना आ जाऊं। मैंने आचार्य की बात मानी और आंख बंद कर उसी दरवाजे के पास में बैठ गया। मुझे लगा कुछ ही समय में आ जाएंगे, लेकिन समय बीतता जा रहा था। आचार्य तो क्या, कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरे पास में नहीं आ रहा था। बच्चे आसपास खेल रहे थे, चिल्ला रहे थे, कभी कभी मक्खियाँ भी मेरे मुँह के पास में भिनभिना रही थी, शोर हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं बच्चों के साथ में खेलूं, मन कर रहा था कि देखूं क्या हो रहा है, कौन कहां से गुजर रहा है। मेरे करीब से भी लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं आंखें बंद किए हुए बैठा था। इस तरह 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे बीत गए, आचार्य नहीं आए। लगभग 8 घंटे के बाद में जब आचार्य आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आँखें खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो उन्होंने मुझे स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो, तुम इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ने लायक हो, और सिर्फ इस विद्यालय में, स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो, तुम एक दिन यहाँ से पढ़कर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करोगे। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध विद्वान लामा की एक कहानी, उनका जीवन का एक रोचक प्रेरक प्रसंग जो हमें सीख देता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में अपने आप पर नियंत्रण रखना है। हमारे माता पिता, हमारे शुभचिंतक, हमारे शिक्षक,
हमसे जो काम करवाना चाहते हैं उसके लिए कभी कभी उन्हें कठोर भी होना पड़ता है, अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है, और तब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे शुभचिंतक, हमारे माता पिता हमारे भले के लिए सोचते हैं, हमारे शिक्षक हमें परीक्षा के माध्यम से परिष्कृत करते हैं, हमारे गुणों को उभारते हैं, सबके सामने लाते हैं। क्योंकि शिक्षक के बिना, माता पिता के कठोर त्याग के बिना एक व्यक्ति का इतना सफल हो पाना इतना आसान नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, इतने कठोर समय में वह जीते हैं, तब जाकर सफल होते हैं और दुनिया उन्हें पहचानती है, दुनिया में वह अपने नाम का परचम फैलाते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी जो हमें सीख देती है कि हमें अपने कठिन से कठिन समय में अपने आप पर नियंत्रण रखना है और यह सोच कर चलना है कि यह कठिन समय कुछ ही समय के बाद में गुजर जाएगा और गुजरने के बाद में हमें कुछ अच्छा फल इसका ज़रूर मिलेगा। मित्रों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।